ठंड की हुक्मरानी बरकरार, यखबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। महकमे मौसमियात ने मजीद ठंड की पेशगोई भी कर दी। अगले हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध, मोटरवेज जगह जगह से बंद, अहम शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज। सोकाड़ा में पहला जलसा, मरियम नवाज कारकुनों का लहू गरमाएंगी। 19 जनवरी को खानेवाल में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। नवाज शरीफ 20 जनवरी को लैया में खिताब करेंगे। 22 को मानसेहरा, 24 जनवरी को ननकाना में पंडाल सजेगा, 26 को बिहाड़ी में जलसा होगा, 28 को कराची में पावर शो की तैयारियाँ। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को दिलचस्प निशानात अलॉट। बैरिस्टर गोहर को चैनक, असद कैसर को व्हील चेयर, लतीफ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के अलॉट, यास्मीन राशिद को लैपटॉप, आलिया हमजा डाइस का निशान दिया गया, एजाज शाह को मोर, सलमान अकरम राजा को रैकेट, जैन कुरैशी को जूता और मेहरबान कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा मिल गया। बकरी, खुस्सा, जूता, तवा, जबान, सब्ज मिर्च, फ्राई पैन, जहाज, रेडियो, विकेट, अनार, चारपाई, हैंडपम्प और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट। चाचा किसको बोला? इफ्तिखार अहमद ने बॉलर्स की पिटाई का गुस्सा मद्दाह पर निकाल दिया। बाउंड्री पर मौजूद इफ्तिखार अहमद मद्दाह से उलझ पड़े। फैन ने उन्हें चाचा कहा, जिस पर वो गुस्सा कर गए। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट। किसी को बकरी, किसी को खुसा, किसी को तवा तो किसी को जूता दे दिया गया। N10 से बैरिस्टर गोहर को चैनक का इंतखाबी निशान मिला। हल्का 19 से असद कैसर को व्हील चेयर का निशान, 20 से शहर राम तुर्कई फाख्ता के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। N22 से आतिफ खान को दरानती का निशान दे दिया गया। कौमी असम्बली के हल्का 23 से अली मोहम्मद खान डॉल्फिन लेकर निकलेंगे। 29 से अरबाब आमिर और 30 से शानदारा गुलजार को प्याले का निशान, 47 से शुएब शाहीन को जूता, N17 हरिपुर से उमर अयूब को लैपटॉप, N49 से मेजर ताहिर सादिक को भेड़ का निशान, N50 से ईमान ताहिर को वाटर टरबाइन, N130 से यास्मीन राशिद को लैपटॉप, N170 से इब्रार उल हक को गिटार का निशान, N118 से आलिया हमजा को डाइस का निशान, N122 से लतीफ खोसा अल्फाबेट के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। N162 पीटीआई के चौधरी खलील को ढोल अलॉट। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। नून लीग शेर, पीपल्स पार्टी तीर, MQM को पतंग के निशानात मिल गए। ANP लालटेन, जमात-ए-इस्लामी तराजू, JUI किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सियासी जमातों को 145 इंतखाबी निशानात दिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों को 177 निशानात दिए गए। TLP क्रेन और इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी को काब का निशान अलॉट किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमातों के लिए जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजिम है। जमातें 5 दिन में जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराएं। सरबराह इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने कहा, जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, आवाम की महरूमियों का अजाला किया जाएगा, जो वादे किए सबके सब पूरे करेंगे, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की, किसी का भी मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब आवाम के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, एक कानूनी नजीर कायम हो गई। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी का कहना है, नून लीग 2016 का वक्त वापस मांग रही है। पीपल्स पार्टी और JUI कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। 8 फरवरी को लोगों की लाइनें लगी होंगी, सबके मुफाद में है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो। आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में एक और करारदाद जमा। फाटा से आज़ाद सेनेटर हिलाल रहमान की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया के पी में सिक्योरिटी खदशात हैं, उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान हमलों का खदशा है। आम इंतखाबात 8 फरवरी के बजाय मौजूदा तारीख तक मुलतवी किए जाए। नौ मई मुकदमे का एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नकीबुल्ला जिना हाउस में तोड़ फोड़ के मरकजी मुकदमे में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाजोड़ का रिहायशी है। जाए वकुआ पर मौजूदगी जियो फेंसिंग से साबित हुई। जमात-ए-इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। फलस्तीनियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती। हाफिज नईम ने अपने खिताब में कहा, शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम गजा को नहीं भूले। हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी, इसराइली टेक्नोलॉजी को तबाह बर्बाद किया। अमेरिका इसराइल का मुसलसल साथ दे रहा है। मुस्लिम ममालिक और OIC कहाँ हैं? इसराइली जारहियत रुकी, ना ही दुनिया का ज़मीर जागा। गजा में जुल्म और बर्बरियत के 100 दिन मुकम्मल। शहदा की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। मजीद 125 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा पर 29,000 से ज़ायद बम गिराए जा चुके। गजा की 60% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। खंडर बने शहर में 19 लाख फ़लस्तीनी खुले आसमान तले मौजूद, लाखों फाका कुशी का शिकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 1,20,000 अफराद सड़कों पर निकले। पेशावर के निजी अस्पताल में खौफनाक आग, फंसे हुए मरीजों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। लेडी रीडिंग अस्पताल के गेट के सामने निजी अस्पताल में आग लगी। आग 7 मंजिला अस्पताल के 3रे और 4थे फ्लोर पर लगी। 3 फंसे हुए मरीजों को निकालकर बालाई मंजिल पर पहुंचाया गया। आग से मुतासिर होने वाले अफराद को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। पाकिस्तान के जनीवा के मुस्तकिल मंदूब और सिफारती अहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ट्रेड टैक $1 ट्रिलियन प्रॉमिस के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा की बेटी की शादी की तकरीब, आसिफ अली जरदारी, सादिक संजरानी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन आगा खान फाउंडेशन सुल्तान अलाना की खुसूसी शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी। ठंड की हुक्मरानी बरकरार, यखबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात ने मजीद ठंड की पेशगोई कर दी। अगले हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध, अंधा धुंध। मोटरवेज जगह जगह से बंद। अहम शहराओं पर हदे निगाह इंतहाई कम। कराची में जाती दुश्मनी पर 2 भाई जबकि डकैती के दौरान मुसाहमत पर नौजवान कत्ल। इतिहाद टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 भाइयों को कत्ल किया गया। मकतुलीन की शिनाख्त मोहम्मद हुसैन और फारूक के नाम से हुई। दूसरी जानिब मोचको में मोटरसाइकिल सवार मुलजमों ने डकैती मुसाहमत पर 19 साल मुजम्मिल की जान ले ली। शाहीन दूसरे इम्तिहान में भी नाकाम। न्यूजीलैंड ने दूसरा T20 21 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम 195 रन के हदफ के ताकुब में 173 पर हिम्मत हार बैठी। बाबर आजम के मुसलसल दूसरी निस सेंचुरी, 66 रन बनाए। फखर जमान भी 50 रन बनाकर आउट हुए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा। और इसराइली जारियत रुकी, ना ही दुनिया का ज़मीर जागा। गजा में जुल्म की दास्तान के 100 दिन मुकम्मल, मजीद 125 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। गजा पर 29,000 से ज़ायद बम गिराए जा चुके। गजा की 60% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। खंडर बने शहर में 19 लाख फलस्तीनी खुले आसमान तले मौजूद, लाखों फाका कशी का शिकार।